हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज 12th बाइपार्टाइट वेज सेटलमेंट, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। और जो 16% पे स्लिप पे हाइक, 2.5% लोड फैक्टर आदि की बात हो रही है, तो वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या है सच्चाई, इसी इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पर ले जाना चाहूँगा, जो कि 1 नवंबर 2017 को ड्यू था और वो सेटलमेंट हुआ था 11 नवंबर 2020 को साइन हुआ था सेटलमेंट पर, और लगभग 3 साल के बाद। और 31 अक्टूबर 2022 तक ये सेटलमेंट लागू था। अब 1 नवंबर 2022 से 12th सेटलमेंट जो है वो ड्यू है बैंकरों का। अब यहाँ पर हम लोग पहले 11th सेटलमेंट में बात कर लें कि हम लोगों को क्या क्या मिला था। तो 15% पे स्लिप पर हाइक मिला था, साथ ही साथ पहली बार PLI परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव इस चीज को लाया गया था। साथ ही साथ कुछ चीजें थी जो कि अनडिस्कस्ड रह गई थी, जिस पर कि यूनियंस जो है बात करना चाहती थी, लेकिन उस पर अभी कोई निकला नहीं रिजल्ट। जैसे फिटमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन बेस ईयर को जो 1960 से 2016 करने का, मेडिक्लेम प्रीमियम जो है वो रिड्यूस करने के लिए रिटायरीज का, इंक्रीज जो है वो करने के लिए जो डिस्टर्ब एरिया में जो बैंकर काम करते हैं उन सभी एरिया में जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो है अलाउंसेस बढ़ाने की बात, ये सारी बातें जो है अनडिस्कस्ड रह गई थी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। उसमें से हमको जो मिला था 15% पे स्लिप पे हाइक मिला था और PLI एक नया चीज आया था, 5 डे बैंक का भी बात हुआ था जो कि अनडिस्कस्ड रह गया था, कुछ मिला नहीं था। अब अगर हम 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पे आते हैं तो इसमें बात करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें जो है बात कौन करता है, कौन डिस्कस करता है। तो बैंकों के जो मैनेजमेंट होते हैं उनके तरफ से IBA बात करता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसको कि चेयर कर रहे हैं आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन MV Roy। ये जो है IBA की तरफ से निगोशिएट कर रहे हैं, और यूनियन फॉरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के तरफ से डिफरेंट यूनियंस जो है वो निगोशिएट कर रहे हैं 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। पहले भी ऐसे ही होता था। इसमें जो है 29 बैंक्स के लिए और लगभग 8 से 8.5 लाख बैंक एम्प्लॉय के लिए डिस्कशन चल रहा है। उसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 10 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है ओल्ड जनरेशन के, और 7 फॉरन बैंक्स भी हैं। 2 जो है HDFC और ICICI बैंक जो कि न्यू जनरेशन के बैंक है, उन वो इन वेज सेटलमेंट से बाहर है, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम अगर बात करें कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट कहाँ तक पहुँचा, तो सबसे पहले तो जान लें कि 1 नवंबर 2022 से ड्यू है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है 1 दिसंबर 2023 तक इसे फाइनल करने को कहा है। उनका जो है उन्होंने निगोशिएशंस जल्दी करने को कहा है और 1 दिसंबर 2023 तक फाइनल करने को कहा है। अब अगर हम बात करें कि पहला मीटिंग जो है वो 28/7/2023 को हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि IBA जो है वो ऑफर कर रहा है 16% पे स्लिप पे हाइक और 2.5% लोड फैक्टर। इसके लिए यूनियन तैयार नहीं है, यूनियन और हाइक चाह रहा है सैलरी में, और साथ ही साथ 5 डे बैंकिंग। और जो अनड्यू रह गए थे, जो 11th सेटलमेंट में ये चीजें अनड्यू रह गई थी, उस पर भी बात हो रही है। तो मेनली जो है वो IBA यहाँ तक तैयार हुआ है, लास्ट निगोशिएशन जब भी आपका हुआ है इस महीने में,
उसमें जो है 16% IBA 16% पे स्लिप पे हाइक देने के लिए तैयार है और 2.5% लोड फैक्टर, लेकिन इस पर यूनियन अभी तैयार नहीं है। तो यही चीजें जो है अभी आपकी 12th वेज सेटलमेंट में चल रही हैं।